वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री आवास योजना, हरियाणा सरकार सभी बीपीएल वालों को तोहफा, फैमिली आईडी 1,80,000 से कम इनकम वालों को तोहफा, 1,00,000 से 1,30,000 रुपये सभी को दिए जाएंगे भाई। ग्रामीण शहरी सभी को मिलेगा फ्री मकान प्लाट, ऐसे करें अप्लाई आज 12 मार्च। बड़ा आदेश हरियाणा सरकार ने जारी किया है, पूरा विस्तार पूर्वक संवाद है, चर्चा आपसे करेंगे। हरियाणा फैमिली आईडी, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड, हरियाणा केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजनाओं, हरियाणा केंद्र सरकार का छोटा बड़ा आदेश, हरियाणा केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, सटीक विश्वसनीय देने का काम करते हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं, आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं चला योजना कब बाहर कब चली गई या आदेश कब बाहर कब चले गए, इस योजनाओं का फॉर्म कैसे भरा जाता है, इस योजना का पैसा हरियाणा सरकार ने कब जारी किया, फैमिली आईडी, बीपीएल राशन कार्ड, राशन सब कुछ मिलेगा, A to Z मिलेगा। हाथ जोड़कर चैनल सब्सक्राइब का अपील है। और भाई डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको दे दिया, आप मेरे साथ इस व्हाट्सएप ग्रुप जरूर जुड़े। हरियाणा सरकार की छोटी बड़ी योजनाओं, केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजनाओं, ठीक है, हरियाणा सरकार का कुछ भी हो, सब कुछ हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार, भारत सरकार, मोदी सरकार, सब कुछ इस ग्रुप के अंदर प्रोवाइड कराने का काम हम आपको करते हैं। तो आप मेरे साथ इस व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। तो साथियों, हर घर पर छत, यही सपना माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर का, यही सपना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। पहले मैं पैसे दिखा देता हूं भाई, पूरा वो बता देता हूं। आज पूरा का पूरा डाटा खट्टर सरकार ने जारी करने का काम किया है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना, इस योजना का जो नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना है, लेकिन हरियाणा में इस योजना का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, मुख्यमंत्री आवास योजना। भाई क्या रख दिया गया है, मुख्यमंत्री आवास योजना, ठीक है भाई, मुख्यमंत्री आवास योजना। इस योजना को दो भागों में बांट दिया गया, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह जो योजना होती है मुख्य प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। इस योजना के अंदर जो है 60% पैसा केंद्र सरकार देती है, 40% पैसा राज्य सरकार देती है। अगर 1,00,000 रुपए मिलता है तो 60,000 मोदी देगा, 40,000 खट्टर देगा। कोई राज्य जो है, बहुत से राज्यों में अब तक हमारे राज्य में मुख्य प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जानी जाती थी योजना, ठीक है, तो फिलहाल इसे मुख्यमंत्री कर दिया गया इस योजना का नाम, ठीक है। तो साथियों, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना का फॉर्म आप सभी का भरवा लिया गया और मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत सरकार ने 14 शहरों में प्लाटों का भी बुकिंग करवा लिया है। बाकी शहरों में प्लाटों का पोर्टल बहुत जल्द खोल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के ऑनलाइन आवेदन का धमाका कभी भी किसी भी समय किसी भी पल हो सकता है, ठीक है भाई, कभी भी किसी भी समय आप जो है पोर्टल लॉन्च हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री आवास योजना का, ग्रामीण आवास योजना का कर सकती है। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म अपने आपके सभी भाई बहनों को भर के दिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। अपने फैमिली आईडी तैयार कर लेना, मेरे साथ जुड़े रहना, मेरे साथ बने रहना। हैप्पी कार्ड परसों से बनना शुरू हुआ, हैप्पी हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन मुफ्त यात्रा वाला कार्ड जो है, तो 1,00,000 से कम इनकम वालों का रोडवेज फ्री कार्ड है। तो भाई मैंने स्टेप बाय स्टेप बन के दिखाया, तो भाई बड़ी खुशखबरी, बड़ा तोहफा हुआ है, जिस जब भी ऑनलाइन आवेदन आपके कभी भी किसी समय मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू होंगे करके दिखाऊंगा। प्लाट बुकिंग मैंने यहां दिखाई थी, बाकी अन्य शहरों मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत किसी भी समय आपका प्लाट बुकिंग हो सकता है भाई। 25,000 का मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 25,000 लोगों को जो है, जब हुड्डा सरकार में प्लाट काटी गई थी तो मिल नहीं पाई थी उनको, तो ऐसे 25,000 को सरकार खट्टर सरकार प्लाट देने जा रही है इनको बिना फॉर्म भरे, जिनका उस समय 2014 में लिस्ट में नाम आ गया था, ठीक है। बाकी अन्य सभी से जो है फार्म भरवाए जाएंगे फ्री प्लाट और मकान के। भाई इसमें पैसा कितना मिलेगा, ठीक है, 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू किया गया, 1,00,000 रुपए की केंद्रीय सहायता पात्र झुग्गीवासी अपने आवास के जीर्णोद्वार के लिए, मकान मरम्मत का जो नाम आप सुनते हो हरियाणा में 80 मिलता है, जबकि केंद्र सरकार मकान मरम्मत के लिए जीर्णोद्वार के लिए 1,00,000 रुपए देती है, या झुग्गी झोपड़ी वालों को 1,00,000 रुपए देती है। 1,50,000 रुपए अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम है, 35% पिछड़ा वर्ग के बनाने पर केंद्र सहायता देती है, अफोर्डेबल स्कीम है वो एक अलग स्कीम है, मकानों की स्कीम है, मैं तुम्हारी बारे में बताऊंगा। 1,50,000 रुपए पिछड़ा वर्ग के लिए व्यक्तिगत आवास निर्माण को जो है केंद्र सहायता देने का काम करती है, यानी केंद्र सरकार देने का काम करती है। भाई अब आ जाती है अपनी वाली स्कीम, ठीक है, 1,20,000 रुपए की सहायता राशि मैदानी क्षेत्रों के पात्रों को मिलती है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। हरियाणा जो प्रदेश है वो मैदानी क्षेत्रों में बसा हुआ प्रदेश है, तो हमारा मैदानी क्षेत्र पहाड़ी पर्वतीय इलाके तो है नहीं हरियाणा में, तो 1,20,000 रुपए जो है ग्रामीण आवास योजना के तहत आप सभी को दिए जाएंगे। हर घर पर छत का सपना माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी आपका पूरा करने का काम करेंगे। 1,30,000 रुपए की सहायता पहाड़ी क्षेत्रों के पात्रों को मिलती है, जबकि पहाड़ी जो क्षेत्र है उनमें 1,30,000 रुपए जो है हरियाणा केंद्र सरकार हरियाणा सरकार देने का काम करती है। भाई 2,89,000 को मकान देने का ऐलान कर दिया है सरकार, 3,00,000 लोगों को मकान देगी, 25,000 परिवारों को उनका प्लाट देगी। भाई प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 29,000 मकान बनाने का जो है ग्रामीण का नए मकान, पहली लिस्ट 29,000 की आएगी, दूसरी 28,000 की आएगी, और तीसरी लिस्ट भाई पहले 25,000 को कब्जा ये दिलाई रहे, तो 57,000 का
का नया लिस्ट मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आपको देखने को मिलेगा, जिनके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आपके भरवाए जाएंगे, ठीक है भाई। बाकी जो है इनका रहा शहरी का मामला, तो भाई शहरियों का 14 शहरों का तो करवा ही लिया इन्होंने बुकिंग, और भाई अन्य शहरों के लिए पोर्टल बहुत जल्द खुलेगा। जानकारी पसंद आई होगी, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही आपके ग्रामीण आवास योजना के फॉर्म भरे जाएंगे भाई, भर के दिखाऊंगा, टेंशन मत लो।